आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन कम कन्व्हेन्शन सेंटर संकुलाच्या उद्घाटनानिमित्त पंतप्रधान मोदी सध्या हवन करत आहेत. आयटीपीओ कॉम्प्लेक्स मधली ही दृश्य आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते हे सगळे पूजाविधी आता केले जात आहे, होमहवन केलं जात आहे. पीयूष गोयल आता तिथे उपस्थित आहेत, त्याचबरोबर निर्मला सीतारामन देखील आता तिथे उपस्थित आहेत. साथ साथ वैज्ञानिक उत्थान को अपने में समेटे, भारत की परंपरा और विज्ञान को अपने में समेटे, भारत भारतीयता को अपने में प्रतिबिंबित करता हुआ एक सबल सशक्त राष्ट्र के स्वाभिमान के उत्कर्ष के रूप में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की. बिल्कुल सही कहा आपने. और किसी भी भव्य प्रारंभ की अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होता है कि जितने भी लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें. और सांस्कृतिक तौर पर भी जो पूजा अर्चना है उसका काफी महत्व, वास्तु पूजा का जो महत्व है वो सनातन परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है. और वास्तु को देव के रूप में हमारी परंपरा में पूजित किया जाता रहा है और उसी परंपरा के तहत ये जो हवन पूजा का कार्यक्रम, किसी भी भवन के निर्माण में जितने भी क्षति हुई है जीव जंतुओं की उनकी आत्मा की शांति के लिए ये जो प्रार्थना और पूजा का कार्यक्रम है वो पारंपरिक तौर पर किया जाता रहा है और उसी परंपरा का हिस्सा आप देख रहे हैं कि आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र की तरफ से ये पूजा हवन का कार्यक्रम है इसमें सम्मिलित हुए हैं. और आज शाम इस परिसर को राष्ट्र को संबोधित किया जाएगा जो कि न केवल नई दिल्ली, न केवल एक राज्य के रूप में दिल्ली, बल्कि भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर के रूप में स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता हुआ नजर आएगा. इसके आर्थिक मायने भी हैं, सांस्कृतिक मायने भी हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत की संस्कृति को केंद्र में रख करके इस भवन का निर्माण किया गया है, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तकनीक का संगम कैसे संस्कृत के साथ होता है और जो भारत की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की उसको केंद्र में रखते हुए कैसे आप भारत को आर्थिक प्रगति के एक नए इंजन के तौर पर विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, प्रगति से गति की जो पूरी अवधारणा है उसको कैसे आप जमीन पर ले आते हैं. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.